आज अमित पांडे, जो कि प्रमिला पांडे जी के बड़े सुपुत्र हैं, उनका जन्मदिन था। यह जन्मदिन उन्होंने दबौली गांव में गरीब बच्चों के साथ मनाया, जिसमें उन्होंने गरीब बच्चों को टॉफी, पेंसिल, रबड़, केक, बिस्कुट, मिठाई आदि वितरण किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि दबौली गांव में जल्द से जल्द एक प्राइमरी स्कूल बनवाया जाएगा और पार्क का निर्माण भी किया जाएगा। कानपुर से राजेश कुमार की रिपोर्ट। आज अमित पांडे जी, जो मेयर साहब के बड़े सपुत्र जी हैं, उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पे दबौली गांव में माननीय गुंजन शर्मा जी ने उनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया। गरीब बच्चों को टॉफियां, बिस्किट और पेंसिल कॉपी बांटी गई। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि वो गरीब बच्चों के लिए और आगे क्या उनके कार्यक्रम है और वो क्या करना चाहते हैं। तो माननीय अमित पांडे जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपने आज अपने जन्मदिन पर गरीब बच्चों को कॉपी, टॉफियां, पेंसिल वगैरह बांटी, तो आगे आपको बच्चों के लिए और क्या करना चाहते हैं? मैंने सुना कि आप बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो आप अपने जन्मदिन पर उनको और क्या सौगात देना चाहते हैं? सर्वप्रथम धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। आज मेरा जन्मदिन है। मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज मेरे बड़े भाई गुंजन जी ने एक छोटा सा कार्यक्रम अरेंज किया था, जिसमें केक काटने के बाद हमने गरीब बच्चों में पढ़ने की सामग्री, जिसमें एक कॉपी, पेन, रबर और टॉफ़ी दी है। कुछ बच्चों की वहाँ पे मांग थी कि एक स्कूल और खुल जाए, क्योंकि यहाँ पे स्कूल की समस्या है। मैंने उस मांग को स्वीकार किया है और मैं कोशिश करूँगा कि उनकी इस मांग को मैं सही प्लेटफॉर्म तक पहुँचा सकूँ, कि जिससे इस दबौली गाँव में भी एक स्कूल खुल जाए प्राइमरी का। पर मैंने ये भी अवगत करा दिया है कि ये समय टेकिंग, टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, और ये मतलब अभी नहीं कि आज मैं कह के गया कि कल हो जाएगा। सरकार सबके लिए काम कर रही है, योगी जी की, मोदी जी की, सबका साथ सबका विश्वास में और विकास में विश्वास रखती है। तो कोशिश है दबौली गांव का भी जल्दी ही जल्द यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा पार्क बनवा देगी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये थे भाई अमित पांडे जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो बहुत ही जल्दी, वो जो जगह पड़ी है खाली जिसमें गंदगी फैली रहती है, वहाँ पर वो एक पार्क और एक स्कूल का जल्द से जल्द निर्माण करवाएंगे। हम आशा करते हैं कि ये कार्य जल्द संपन्न हो। क्राइम 7 न्यूज़ से राजेश कुमार।